वेलकम टू फूड ऑल टाइम। मैं रंजीता नाथ गई, फाउंडर फूड ऑल टाइम, आप सबका हमारे ब्लॉग पे स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है हाय। मेरे को ना अपने घर में हवन का जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और रोज रोज तो मैं हवन कर नहीं सकती, तो मैंने हवन कप्स मंगाए थे। एंड हवन कप्स मंगाने के बाद मुझे लगा कि ये चीज तो मैं घर में भी बना सकती हूँ। फिर मैंने YouTube पे काफी सारी रेसिपीज देखी। जब मैंने YouTube पे गई तो मैंने देखा कि वहां पे रेसिपीज में लोग कोई गोबर डाल रहा है, कोई चारकोल डाल रहा है, कोई कोल्टार डाल रहा है, और ऐसे ऐसे चीजें डाल रहे हैं जिससे घर में धुआं बहुत होता है। और मेरे को ब्रोंको एस्मा है, बट एक्चुअली मेरे को धुएं से सख्त परहेज है, और धुआं आते साथ ही मेरे को एस्मा प्रॉब्लम होने लगती है। मेरे को जैसे लगता है जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया। मैंने अपने लिए एक बायो फ्रेंडली हवन कप्स की रेसिपी तैयार की है, जिसमें ऑलमोस्ट जीरो धुआं होएगा, कोई काला गंदा भद्दा धुआं नहीं है जिससे कि मेरे को लंग्स में इरिटेशन होती है। एट द सेम टाइम मेरे घर में बहुत अच्छी हवन की खुशबू भी आती है, और वो मेरे दिए का काम भी करती है। तो मेरे को मंदिर में अलग से दिए जलाने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले दिए का काम करती है, और जैसे ही वो बुझ जाती है वो हवन कप में कन्वर्ट हो जाती है और मेरा पूरा घर सुगंधित हो जाता है। ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हवन कप्स कैसे बनाने हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। लास्ट में इसकी एक संक्षिप्त में स्मॉल इजी रीकैप मेमोरी इंग्लिश में भी मैंने दी है, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी। बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ, इसमें मेरे को कम से कम 200 ग्राम फूल लगे थे, कुछ पुराने कुछ नए मिलाए हैं। तकरीबन 20 गोलियां मुझे कपूर की लगी थी, राइट, 2 टेबलस्पून घी लगा था, और एसेंशियल ऑयल्स लिए थे मैंने। मेरे को सैंडल, लेवेंडर और रोज के एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये तीनों यूज किए थे। पर अगर आप 3 नहीं यूज करना चाहते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 1 एसेंशियल ऑयल से बना सकते हैं। और सारे एसेंशियल ऑयल्स की जो मेरे बेस्ट जो मुझे लगते हैं, मैं इन सब की अमेजोन लिंक डाल दूंगी। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप वहां से खरीद सकते हैं, राइट। तो और एक चीज मैंने बाइंडिंग के लिए यूज की है इसके अंदर, दैट इज हवन सामग्री। हम हिंदू धर्म में कभी ना कभी घर में हवन जरूर करते हैं, और वो सामग्री बच जाती है, अक्सर सामग्री थोड़ी बहुत बच जाती है और वो फेंकनी पड़ जाती है। तो फेंकने के बजाय हम उसको इस तरीके से यूज कर लेंगे, और जो पूजा के फूल हैं वो भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं हवन कप्स बनाने के लिए, राइट। तो मैंने इसे कुछ अपने पुराने पूजा के फूल लिए हैं प्लस नए डाल दिए। अब आप इसे असॉर्टेड फ्लावर्स भी ले सकते हैं, इसमें आप थोड़े सूख से जाते हैं जो गुलाब के फूल हो गए, गेंदे के फूल हो गए, गुलदाउदी क्रेजेंथेमम के फूल हो गए, मैरीगोल्ड है, या कोई और सुगंधित का एनी एरोमेटिक फ्लावर जो आप यूज करना चाहें वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, फ्रेश या फिर थोड़े ड्राइड, डिपेंड्स ऑन यू। फ्रेश होंगे तो आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा, थोड़े से सूखे होंगे तो आपको थोड़ा सा पानी बाइंडिंग के लिए डालना पड़ेगा। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बायो फ्रेंडली है, और ना तो आप इसमें पोल्यूशन के लिए एड करेंगे, ना ही आपको एस्मा होएगा, ना ही आपको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैंने घर में बनाई है। इट्स वेरी इजी, बस आपको धूप चाहिए इसको अच्छे से सुखाने के लिए। चलिए बनाते हैं। ये मैंने मोटा मोटा आपको रेसिपीज बना दी, बाकी जब हम अंदर वीडियो में जाएंगे बनाना शुरू करेंगे तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हमने इसमें क्या किया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं हवन कप्स। चलिए तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे हवन कप्स। मेरे इन हवन कप्स से मैंने अपने पुराने कुछ पूजा के फूल लिए हैं जिसमें गुलाब और गुलदाउदी मिक्स्ड है,
मेरे को फूल कम पड़ गए थे तो मैंने थोड़े से फूल और ले लिए हैं। तो टोटल 100 ग्राम गेंदे के फूल हैं और फ्रेश गेंदे के फूल हैं, थोड़े पुराने फूल हैं। तो टोटल मिला के, अब कुल मिला के समझिए 200 ग्राम फूल का हम आज ये हवन कप सामग्री मिला रहे हैं। सारे फूल इकट्ठे ले लीजिए और उनको थोड़ा सा तोड़ लीजिए ताकि मिक्सी में इनको पीसना आसान रहेगा। अब जब हमने सारे पीस तोड़ लिए हैं फूल को, इनको मैं मिक्सी में डालती हूँ और मिक्सी में डाल के मैं इनको अच्छे से थोड़ा दबा देती हूँ। दबा के इनको मैं मिक्सी में पीसूँगी सो दैट स्पेस कम रहेगी तो पिसने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियम के तौर पे मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल रही हूँ और मिक्सी में इसको पीस रही हूँ। आप देखिए मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद मसाला कुछ ऐसा पेस्ट बन गया है। इसको अब मैं अलग से निकालूंगी और निकालने के बाद मैं सेकेंड लॉट में इसको पीसूंगी। मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम फूल हैं, फ्रेश पुराने सब मिला के, जितने भी आप इसमें मिक्सचर असॉर्टेड फ्लावर्स डाल सकते हैं, ताज़ा फूल डाल सकते हैं, थोड़े पुराने फूल डाल सकते हैं। और मैंने पानी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था इसमें, तो पानी ज़्यादा गिरने पे इसको कैसे बैलेंस किया जाए, मैंने थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दी है। डाल के मैं इसको दोबारा से अच्छे से पीसूंगी तो आप देखिए एक बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन के निकलेगा। अगर आपको लगता है कि मिक्सी में जगह बाकी है और पीस सकता है उसमें जगह है, तो आप और फ्रेश फ्लावर्स डाल दीजिए एंड फिर से उसको पीस लीजिए। वो उसी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं, उसी में दोबारा से पिस जाएगा जैसे कि मैंने किया है। मेरे को लगा जगह खाली थी, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये देखिए इसको अभी हम निकाल लेंगे और निकाल के अलग से रख लेंगे, बाद में मिक्स करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। जब आप टटोल के देखेंगे तो कुछ ऐसे फूल आपको मिलेंगे जो कि पिसे नहीं होंगे। उन फूलों को निकाल के अलग कर दीजिए क्योंकि वो बाद में आपको परेशान करेंगे, या फिर उन्हीं फूलों को वापस पीसने में डाल दीजिए। ये मेरा तीसरा लॉट लग रहा है। तीसरे लॉट में मैं अब जो भी मेरा बचा हुआ था, जो नहीं पिसा, जो पिसा है, जो सारा बचा था मैं डाल दूँगी। थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ी बची हुई हवन सामग्री डालूंगी। मैंने तकरीबन इसमें 2 टीस्पून हवन सामग्री लिए, जिसको मैं छोटे छोटे करके 2-3 हिस्से में कम कम करके डाल रही हूँ। जो बच जाएगा वो लास्ट में पूरा मिक्स कर दिया जाएगा। अब आपके सामने है, मैंने इसमें ना तो कोल टार यूज़ किया है, चारकोल जिसको कहते हैं, ना मैंने इसमें कोयला यूज़ किया है, ना मैंने इसमें अलग से कोई आम की लकड़ी का या लकड़ी का बुरादा डाला है, ठीक है, ना ही मैंने इसमें गोबर डाला है। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। जो सारा सामान हम पूजा में यूज़ करते हैं वही सब है, और इससे घर में कोई काला धुआं नहीं पड़ेगा, ना आपको आस्थमा की प्रॉब्लम होगी, ना आपको सांस की कोई प्रॉब्लम होगी। और आपको जब तक पता लगेगा उससे पहले ये अपना खुशबू पूरे घर में बिखेर के ख़त्म हो चुका होगा। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, बचा हुआ हवन सामग्री मसाला मैंने इसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसको आगे जाके और अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। बड़ी थाली में डाल के मिक्स करूँगे सो दैट सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हम अभी इसमें डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मैंने वीडियोज़ वगैरह जो मेरे को यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं उसमें बहुत चीज़ें डालते हैं, पर ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाया है। जो घर में आम तौर से चीज़ें बच जाती हैं या रह जाती हैं, पूजा हवन हम लोग तो सभी करते हैं हिंदू घर में, तो वो जो चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल करके पूजा के फूल, पूजा की सामग्री, पूजा का कपूर, घी, उन्हीं सबको यूज़ करके मैंने बनाया। अब पूरा मिक्स करके एक छोटा केक के जैसे हम इसको बाद में बनाएंगे, पर उससे पहले कुछ काम करना है। क्या, ये देखिए
कम से कम 20 या 25 मैंने कपूर की गोलियां ली हैं, इनको मैंने पीस लूँगी। वैसे तो कपूर हाथ से भी, अगर आप अंगूठी से दबाएंगे तो कपूर को आप उंगलियों के बीच में पीस सकते हैं, पर कई लोगों को कपूर पसंद नहीं है पकड़ना, तो इसलिए उसको हमने ऐसे पीस भी सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कपूर को इस तरीके से दो उंगलियों के बीच में डालेंगे तो ऐसे नरम होके पिस जाएगा। कपूर हम क्यों डाल रहे हैं? कपूर डाल रहे हैं, एक तो इसकी बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू होती है कपूर की, जो कि पूरे घर में घूम के शुद्ध करती है। दूसरा, कपूर होएगा, चारकोल, इस तरीके की कंबस्टिबल चीज़ें, गोबर वगैरह डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहर में हम लोग सब रहते हैं, गोबर लाने के लिए कहाँ जाएंगे? गोबर ऐसे तो गीला गोबर आपको मिलेगा नहीं, और कई लोगों को इन सब चीज़ों से हाथ लगाने से एलर्जी भी होती है, ठीक है। और आपको वो ज़माना तो रहा नहीं कि आपको प्योर गोबर मिलेगा, गाय आजकल प्लास्टिक से लेकर कागज़ सब सब कुछ खाती है, तो शुद्ध गोबर मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो सब चीज़ें मैंने इस रेसिपी से निकाल दी हैं। कपूर हमने डाल दिया उस कुएं के अंदर जो छोटा सा कुआं बनाया था। अब ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है, 1 से 2 टेबलस्पून घी डालिए, देसी घी जो घर में बनता है, ये घर में बना घी, या अगर आप बाज़ार से घी खाते तो वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके से पूरा मिक्स करके एक केक के तरीके से इसको बना लेंगे। और मेरे पास 3 एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो मैंने इसको 3 हिस्से में काटा है। एसेंशियल ऑयल्स आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, आप अमेज़ॉन में जाइए और एसेंशियल ऑयल्स खरीद लीजिए। मैं उसके लिंक्स जो हैं हमारे यूट्यूब के वीडियो में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अब ये तीनों जो मैंने हिस्से करे हैं, उसके बीच में छोटे छोटे कुएं बना रही हूँ, आप देखिए, एक इंडेंटेशन खड्डा कर रही हूँ। क्यों बनाया? इसके अंदर मैं एसेंशियल ऑयल डालूँगी। अब ये जो एसेंशियल ऑयल आप देखिए, एक रोज़ का है गुलाब, दूसरा लैवेंडर का है, जो नीले रंग का ये लैवेंडर का है, और जो तीसरा मेरा एसेंशियल ऑयल है ये सैंडलवुड का है, चंदन का है। मेरे को ये 3 खुशबुएँ पसंद है, तो मैं इन 3 खुशबुओं में बना रही हूँ। अगर आपके पास एक ही है तो आप एक से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें ड्रॉपर से इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा बड़ा छेद मत करिएगा, ताकि थोड़ा दिक्कत से गिरता है पर गिर जाता है और एक्सेस में नहीं गिरता। तो आप इसको डाल के फिर इनको अलग अलग आप देखते जाइए वीडियो में, जैसे मैं बता रही हूँ इसको। आप अगर आपको लगता है 4 से 5 ड्रॉप्स से आपका काम नहीं होएगा तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना नाक में चढ़ेगी। बस इतना रखिए कि 5 से मग, अगर आपको 4 से 5 ड्रॉप से ज़्यादा करना है तो आप 6 से 7 ड्रॉप्स कर दीजिए, इससे ज़्यादा की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आप इनको अलग से गूंद लीजिए, माने मिक्स कर लीजिए। ये मैंने आपने देखा रोज़ का अच्छे से मिक्स करूँगी और छोटे छोटे इनके बॉल्स बनाऊँगी अलग, सो दैट ये बाद में जाके मिक्स ना हो, तो मैं इनके अलग अलग मिक्स करूँगी इनको। ये मैंने अलग कर दिया है। और आप देखिए, मैं थोड़ा सा घी, हम जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो घी डालते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। घी मेरे सामने पड़ा था, वो मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा शॉर्टकट का ही काम करा है मैंने। ये इससे लगाया कि जब मेरा बन के तैयार हो, ये जाके मेरे प्लेट के साथ ना चिपके, और निकालते समय ये अपने आप ही निकल जाए उभर के, और मुझे खरोंचना ना पड़े, क्योंकि ये इतना डेलिकेट बनेगा कि ये टूट जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बनाया है छोटा सा पेड़ा और उसके बीच में एक गड्ढा कर दिया, एक छोटा सा कुआं बना दिए। इस तरीके से छोटे छोटे आप लेंगे, छोटे छोटे लोई बनाइए, छोटे छोटे राउंड बॉल्स बनाइए, और उसके बाद उसको शेप करके उसके बीच में एक छोटा सा ये कुआं बना दीजिए। इस तरीके से पहले मैंने सारे गुलाब के बना लिए हैं, और फिर मैंने सारे लेवेंडर के बना लिए हैं, और फिर इसके आगे मैं सारे सैंडलवुड वाले जो एसेंशियल ऑयल डाला था उनके बना लूँगी। अब ये जब बन जाएगा, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको अच्छे से खुली धूप में सुखाना है, फिक्र मत करिए, इसकी खुशबू कहीं उड़ के नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी इसमें।
ठीक है ना, गर्मियों में अगर आप इसको बनाएंगे तो ये 1 से 2 दिन में बिल्कुल कड़क, सूख के कड़क हो जाएगा। सर्दियों में इसको हफ्ता लग सकता है, डिपेंडिंग आपकी धूप कितनी तेज़ है। छाँव में मत रखिएगा, फंगस लग जाएगी, क्योंकि इसमें हमने पानी भी डाला था तो फंगस लग सकती है। नेचुरल चीज़ है, फूलों का भी अपना रस छूटता है, तो फंगस ना लगे इसीलिए हम इसको धूप में सुखाएंगे। अब इस तरीके से मैंने, आप देखिए, बाकी जो बचा हुआ था सामग्री उसको भी मैंने कर ली। अलग अलग गोले बनाऊंगी सो दैट मुझे खुद को पता लगे गुलाब कौन सा है, लेवेंडर कौन सा है, चंदन का कौन सा है। तो अलग अलग मैंने गोले बना दिए। अब ये इंडेंटेशन में कर रही हूँ, कुएँ बना रही हूँ, कुएँ में लास्ट में गूगल डालूंगी और कपूर डालूंगी। आपने अगर देखा है तो आप गूगल पहले भी डाल सकते हैं, पर मैंने गूगल पहले नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लग जाता। और यहाँ पे मैं गूगल पीस के बाद में आप देखना, मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बहुत थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बस जितने की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा थोड़ा डालने से इसमें कहीं पे भी वेस्टेज का सवाल नहीं होता है। ये देखिए मेरे कप सूख के अब तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अब मेरे को इसको जलाना है, जब मेरे को चाहिए सुबह या शाम मैं इनको जलाऊंगी और पूरे घर में बड़ा शुद्ध सा वातावरण हो जाएगा। और जलाने के लिए देखिए मैं इसको चिमटे से पकड़ के थोड़ा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे, बस इतनी ही देर जलाना है जितनी देर मैं जला रही हूँ आपके सामने, कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चल रहा। जला के दिवाली के जो पुराने दिए होते हैं ना घर में, उनको फेंकने के बजाय इसी काम में आते, बिकॉज वो पके हुए दिए होते हैं तो वो क्रैक भी नहीं करते। ये देखिए ज़रूरत अनुसार मैंने इसमें गूगल डाला है, गूगल को पीस के रखा है मैंने, गूगल डाल के उसमें एक कपूर की गोली डाल दी। अब कपूर डालने से ये दिए का काम भी करती है, तो मंदिर में रखो और यही मेरा दिया बन जाता है। और जैसे जैसे इसकी लौ कम होती जाती है ये खुशबू छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका बहुत भीनी भीनी आप देख रहे हैं, कोई काला धुआं नहीं निकल रहा, सफ़ेद सा धुआं निकल रहा है, कोई आपको चारकोल का गंदा सा बास नहीं आएगा इसमें। और ये धीमे धीमे आपकी लौ ख़त्म हो जाएगी और आपका दिया भी बुझ जाएगा। और जैसे ही ये बुझ जाता है उसमें आपका ये आपका खुशबू देनी शुरू कर देगा। इसको घर के किसी सेंट्रल हिस्से में रखिए सो दैट पूरे घर में आपकी खुशबू अच्छे से फैल जाए। हमें बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हवन कप्स बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से आप बचे हुए फूलों से या बची हुई पूजा सामग्री से घर में बना सकते हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।